सो नाउ गाइस वी हैव टॉपिक डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस उस डिजीज़ को कहते हैं जब ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए। तो इसकी टू टाइप्स होती हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। एट द एंड ऑफ वीडियो वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन दैम। फर्स्टली वी विल कवर दिस एक्यूट मैनिफेस्टेशन एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। दिस इज द काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो कि जो एक्यूट होती है और मे बी क्रोनिक हो। फर्स्ट वी हैव इन एक्यूट मैनिफेस्टेशन थ्री पीस, ये याद, निमोनिया के थ्री पीस। वन इज द पॉलीडिप्सिया, सेकेंड इज पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। नाउ वी विल कवर इट फ्रॉम द नोट्स। सो इन एक्यूट मैनिफेस्टेशन वी हैव थ्री पीस, वन इज पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया होता है क्या कि ये जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, इतनी एक्सेसिव के लाइक नॉट एज नॉर्मल, इट्स लाइक अब नॉर्मल के बार बार पेशेंट को जो है तलब हो रही हो पानी की, उसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया। ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू हाई ब्लड ग्लूकोज दैट रेजेज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड एंड मेक्स इट मोर कंसनट्रेटेड। जब ब्लड की कंसनट्रेशन जो है ग्लूकोज की वजह से हाई होती है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से ये होता यूँ है कि हमारी जो किडनी है वो उस यूरिन को ड्यू टू कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा मेहनत करती है हमारी बॉडी से निकाल निकालने के लिए, लाइक एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है जो कि कंसनट्रेट कर देता है उसको निकालने के लिए ज़्यादा किडनी फंक्शन करती है। और फिर इसके अलावा ये भी होता है कि जब ग्लूकोज जब बॉडी में हाई होती है, क्योंकि बॉडी जो है ऑलरेडी जो है यूरिन लॉस कर रही होती है, जिसकी वजह से फिर बॉडी में पानी की कमी होती है और ब्रेन यही सिग्नल बार बार कर रहा होता है कि बॉडी में पानी की कमी है तो वाटर इनटेक जो है ज़्यादा करना है, जिसकी वजह से पेशेंट को पॉलीडिप्सिया हो जाता है। इट इज़ एक्सेसिव थर्स्ट, अब नॉर्मल आज टू ड्रिंक फ्लूइड एट ऑल टाइम। सो पॉलीयूरिया क्या है? पॉलीयूरिया जब पेशेंट को मोर यूरिन आता हो उसकी वजह ही होती है कि जो शुगर है वो ब्लड में हो जाती है ज़्यादा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है वो यूरिन क्रिएट करती है, लेकिन जो है उतना ही वो उस यूरिन को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में वापस भेज देती है। बट होता यूँ है कि जब ग्लूकोज लाइक जैसे डायबिटीज़ वन में वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो व्हाट इज़ द टाइप वन एंड टाइप टू। सो नाउ वी विल जस्ट एक्सेस दैट इन टाइप वन डायबिटीज जब ब्लड एक्सेस जो है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो होता यूँ है कि वो अपनी तरफ जो है ज़्यादा पानी और खींचता है, जिसकी वजह से यूरिन से वो मोर जो वाटर है वो पास आउट हो जाता है, और जिसकी वजह से उस कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देर इज मोर यूरिन पासिंग फ्रॉम द किडनी। नाउ थर्ड पी इज पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मीन फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हंगर। और ये होता क्यों है कि जब बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होती है तो हमारे पास, हमने पढ़ा था कि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जब हमने पढ़े थे। तो होता यूँ है कि जब ग्लूकोज जो है अक्सर ब्लड में तो होती है लेकिन वो सेल्स जो है उसको अपटेक नहीं कर पाते उस ग्लूकोज को। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, और या जो बॉडी में इंसुलिन का लेवल होता है वो कम होता है, जो कि सेल्स के पेरिफेरल, हमने पढ़ा था पेरिफेरल सेल में ब्रेन वाले साइड पे जो पड़े होते हैं, तो इंसुलिन की लैकिंग की वजह से और इंसुलिन की रेजिस्टेंट की वजह से वो ग्लूकोज अपटेक नहीं करते फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल। तो होता ही है कि सेल्स को तो अब ग्लूकोज चाहिए होती है, तो वो क्या करता है कि वो जल्दी से जो फैट और मसल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है उसकी एनर्जी यूज़ करने के लिए। तो वो जितनी एनर्जी हमारे पास सेवियर फॉर्म में थी वो यूटिलाइज हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है और साथ में उसका वेट लॉस भी हो रहा होता है, क्योंकि जो मसल्स हैं वहीं पे जो है मोस्टली जो है वहाँ पर पड़ी होती है इंसुलिन वगैरह और फैट्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में, तो वो उसका जो मसल साइज़ है वो भी डिक्रीज होने लग जाता है, और उस बिकॉज एडिपोसाइट्स होते हैं उसमें वो उतनी एनर्जी कैरी नहीं कर पा रहे होते और उसका हंगर भी इंक्रीज हो जाता है। So we have covered polydipsia, polyuria and polyphagia, and we also covered weight loss. कि लाइक पॉलीफेजिया की वजह से जो है एक्सट्रीम हंगर हो रही होती है, और मोस्टली जो है एनर्जी जो है हम मोस्टली एडिपोस टिश्यू मसल्स वगैरह और फैट्स वगैरह से ले रहे होते हैं, जिन उनकी ब्रेकडाउन की वजह से बॉडी का जो वेट है वो लॉस हो जाता है। नाउ वी विल कवर डीके। डीके मोस्टली रिलेटेड होता है टाइप वन। टाइप वन सो होता क्या है? डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोसिस यूँ है कि जब जो है इंसुलिन जो है वो ब्लड में तो होती है लेकिन सेल्स उसको जो है अपटेक नहीं कर पाते, तो सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो होता ही है कि जो फैट हमारे अंदर हमारे लीवर में जो फैट लीवर का फंक्शन होता है मोस्टली ब्रेक डाउन करता है वो फैट को एज अ फ्यूल लाइक एनर्जी के लिए। तो जब वो
सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही होती तो लीवर उस ब्रेक डाउन को इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही फैट्स जो डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जितने ज़्यादा वो ब्रेक डाउन होते हैं तो जितने ज़्यादा लीवर जो है फैट्स को ब्रेक डाउन करता है उतने ही ज़्यादा हमारे पास कीटोन्स फॉर्म में उसकी प्रोडक्शन होने लग जाती है, और उसको हम बोलते हैं एसिड, वो एक एसिड फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। फर्दर हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है तो हमारे पास एसिटाइल सी ओ ए आता है, तो उसके बाद एसिटाइल सी ओ ए जो है मोस्टली एसी टू एसीटेट प्रोड्यूस करता है और बीटा हाइड्रोक्सी बिट्रेट, इसको हम बोलते हैं कीटोन बॉडी। तो ऐसे जब हमारी बॉडी में बहुत सारे जब ऐसे कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो वो मिलकर जो है डी के बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, और ये मोस्टली डायबिटीज़ वन में होती है। सो नेक्स्ट वी हैव हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ये मोस्टली टाइप टू में होती है, और ये जो हाइपर ओस्मोलर हमने अभी पढ़ा था कि जब शुगर का लेवल यूरिन में उससे पहले मीन्स ब्लड में जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू कंसनट्रेटेड ग्लूकोज, तो वो उसके अंदर इतनी ताकत हो जाती है कि वो ब्लड को मोर कैच करता है अपनी साइड से, जिसकी वजह से जो है पॉलीयूरिया हो गया था, लाइक मोर यूरिन जो है फ्लूइड वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसिमिक स्टेट जो होती है, लाइक बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाता है और उसकी ओस्मोलैरिटी हाई हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया और ग्लूकागॉन, ये भी जो है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करते हैं। तो होता यूँ है कि जब इनकी अनअपोज सिक्रीशन हो जाती है लाइक ग्रोथ हार्मोन की और एपिनेफ्रिन की, तो वो जो है उसका ग्लूकोज का लेवल बॉडी में हाई कर देते हैं, और जो इन जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी इसका जो रिसेप्टर होते हैं IGF-1 हो गया और अदर रिसेप्टर, वो मोस्टली जो है लाइकली टू इंसुलिन होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल लाइक जो होता है वो सब जो है इंसुलिन के जैसा होता है। तो इनकी जो सेक्रीशन जब ज़्यादा हो जाती है तो ग्लूकोज में स्ट्रेस हार्मोन की वजह से ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में चली जाती है। और इसके अलावा ये सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी जब कोई पेशेंट ले रहा होता है तो स्टीरोइड डायबिटीज से रिलेटेड है ये, तो उसमें भी जो है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है।